अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़ी स्पेशल और बहुत दिल पसंद सबकी होती है वो डिश बनाने जा रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर अब देख रहे हैं, आपसे तीन चार चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस हमने यही इस्तेमाल करनी है और हमारा बहुत ज़बरदस्त एक चाइनीज़ खाना तैयार हो जाएगा। एक्चुअली हम बना रहे हैं चिकन ब्लैक पेपर, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो के करीब मैंने चिकन बोनलेस लिया। अगर आप चाहें तो बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और क्योंकि ये चिकन ब्लैक पेपर है तो इसमें हम ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं आपको चिकन की मैरिनेशन का बता देती हूँ कि मैरिनेशन में क्या क्या जाएगा। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि बस तीन चार चीज़ें जाएंगी। ये मैदा है और ये काली मिर्च का पाउडर है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और ये लहसुन, चार पांच जवे लहसुन है, उनका पेस्ट है। और ये नमक है, ये हसबे जायका हसबे जरूरत इसमें जाएगा, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताती जाऊंगी जो जो डालती जा रही हूँ। तो एक बड़ा चम्मच हम भर के इसमें मैदा थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि चम्मच फुल भरा नहीं था ये। अब मैदे का फायदा ये है कि सारी चीजें इसके साथ चिपक जाएंगी और बहुत अच्छा फ्राई जब करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन, लहसुन डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्चें डालूंगी। तो ये आपने एक इतनी डालनी है, मतलब अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जितना चिकन होगा उतनी ही ये जाएंगी। तो तकरीबन मैंने एक चम्मच के करीब डाल दिए हैं इसमें, ठीक है? बाकी हम लोग जब ग्रेवी तैयार करेंगे ना, तो ग्रेवी के अंदर भी जाएगा। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे, मैं फिलहाल इतना डाल रही हूँ और जब मुझे कम लगेगा तो मैं इसकी ग्रेवी बनाते हुए उसमें डाल सकती हूँ। साथ ही जी इसमें जाएगा सोया सॉस, ये चाइनीज खानों की जान होती है। तकरीबन एक चम्मच या दो, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी। ये डाल दिया, थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं, वैसे ग्रेवी में भी जाएगा तो इतना काफी होगा इसमें। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दूंगी, ये सिरका डाल दिया, ठीक है? तो ये हमारे सारे अज्जा हो गए कंप्लीट। अब हम इनको कर लेंगे मिक्स। अभी चिकन मैंने फ्रीजर से निकाला था, ये सही से डीप फ्रोस्ट नहीं हुआ, तो इसको मिक्स कर लें। तो ये चिकन हमारा अच्छे से हो गया है मिक्स, ठीक है? इसमें कोई मैदे की गुठलियाँ या ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस ये हमने कर लिया। अब हम इसको रख देंगे। चलो अब ये फ्राई पैन वाले अंकल आ गए। अब मैं इसको तकरीबन आधे से 1.25 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी कवर करके, और तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, चीज़ें इसमें अच्छे से रच बस जाएंगी जी। तो चिकन जैसा कि हमने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया हुआ है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए वेजिटेबल्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं जिनके लिए बना रही हूँ उन्हें शिमला मिर्च पसंद नहीं है तो मैंने वो उसको हटा दिया है। उसमें मैंने ये जुलियन कटिंग कर लिया है, गाजर ले लें आप, ठीक है? ये किया है। और लहसुन है 4 से 5 जवे, इनको मैंने बारीक काट लिया। और इसके बाद मेरे पास ये ग्रीन प्याज है, यानी कि सब्ज़ प्याज है, ठीक है? ये हम ना एंड में डालेंगे जब हमने इसको दम लगाना होगा, क्योंकि आप शुरू में डाल देंगे तो इसका कलर चला जाएगा। साथ में काली मिर्च है, क्योंकि चिकन ब्लैक पेपर है तो काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। थोड़ी सी सोया सॉस है। और ये जो लिक्विड है, ये मैंने एक बड़ा चम्मच मैदा पानी में मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो यखनी में मिक्स कर सकते हैं, कनौर के क्यूब के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने इसको पानी में मिक्स किया, ठीक है? आप कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे, मैंने आपको सारे अज्जा बता दिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं ख़त्म, अब हम पकाना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैंने इसमें पैन में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के गरम कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन। हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए लहसुन हमारा हो रहा है फ्राई। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया मुझसे, आप कम डालिएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारी मैरिनेटेड चिकन। फिर चिकन को डाल के फ्राई कर लेंगे। आंच तो को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा वाइट होना शुरू हो गया, अपना कलर चेंज कर रहा है। तो ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। मैं हल्का कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको गोल्डन नहीं करना। एक्चुअली ये इसका गोल्डन कलर आ रहा है बिकॉज ऑफ मैदा। इसको हल्की आंच पे ही पकने देंगे। चिकन हमारा अभी तक फ्राई हो रहा है। मैंने इसको कवर कर दिया है तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे ढक्कन गिर गया, तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे कवर करके पकने देंगे। जी तो ये चिकन हमारा देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, तेल लैदा हो गया। अब इस टाइम पर हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मैं इसमें डालूंगी गाजर, ठीक है, ये सारी चली जाएगी। इसको बस फ्राई करेंगे हल्का सा। और इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। इसको बस थोड़ा सा नरम करना है। मेरे पास थोड़ा सा अनियन पड़ा था, वो भी मैंने काट लिया था, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने डाला अनियन। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल और आपकी पसंद नापसंद के ऊपर मुनहसर होता है। इसको मिक्स करके मैं थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करूंगी। अब दोबारा इसको ढक के रख देंगे। जी तो सब्जियां हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। ये इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, कसम से मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना मैदा, मैदे का सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि गुठलियां ना बनने पाए। ये मैंने डाल दिया। क्वांटिटी आप इसकी ग्रेवी की अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी आंच कर देंगे तेज और इसको खूब पकने देंगे। इस ग्रेवी के अंदर मैं डालूंगी सोया सॉस। मैंने इसका नमक चेक किया, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ।
साथ ही मैं थोड़ा सा सिरका भी इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। अब 5-10 मिनट तक मैं इसे मतलब कि बहुत ही हल्की आंच पे ना पकने के लिए रख दूंगी। जी तो जनाब देखिए चिकन ब्लैक पेपर हमारा पक रहा है, बड़ा अच्छा कलर आया है इसका, बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है ग्रेवी की। ये देखें इतने मजे की खुशबू आ रही है कि मुझे शदीद भूख लगी हुई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसको देख के। ये चिकन भी सारा मैंने खुद बोनलेस किया था, ये मेरी कारीगरी है। और वैसे मुझे बोनलेस इतना पसंद नहीं है, मैं बोन्स के साथ खाना पसंद करती हूँ। जी तो चिकन तकरीबन हमारा पककर तैयार हो गया, इसमें मैं एंड में डाल दूंगी ग्रीन अनियंस यानी कि सब्ज प्याज। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए, बाकी हम कर देंगे मिक्स। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसका। ये देखिए हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको बस दम दे देंगे। जी तो चिकन को दम आ गया हुआ है, इसको अब हम कर लेंगे सर्विंग। तो चलिए मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसा लगता है। जी तो हमारा मज़ेदार सा चिकन ब्लैक पेपर रेडी है, अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल के इसको गार्निश कर लिया है। तो आप लोग भी बनाइएगा फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।